नमस्कार दोस्तों, मेरे ग्रैंड टीचर में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आज इस वीडियो पर आप जान पाएंगे कि राशन कार्ड में नाम कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका पास नोटिफिकेशन मिलेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने गूगल का टैब ओपन कर लिया है, और गूगल के टैब पर जो यहाँ पर गूगल सर्च आता है, इस पर हम टाइप करेंगे झारखंड PDF सिस्टम, और इस पर हम सर्च पर क्लिक करेंगे, गूगल सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गूगल सर्च पर क्लिक करते हैं, आपके सामने बहुत सारे से लिंक डिस्प्ले होने लगती है। जैसे कि यहाँ जितने सारे लिंक है सब आप कार्ड के बारे में ही आप जान सकते हैं। तो हमने सबसे जो सेकंड वाला लिंक है झारखंड गवर्नमेंट PDF सिस्टम, आप जो देख पा रहे हैं, आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं कि ताकि आप समझ पाए अच्छा से। और इस टैब पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप क्लिक करते ही आपको, ये मेरा नेट थोड़ा स्लो है जिसके कारण आपको जल्दी से हम बता नहीं पा रहे हैं। चलिए, आ गया है। और आपको यहाँ पर ढेर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको सब ऑप्शन छोड़कर आप ऑनलाइन सेवा का सेकंड नंबर जो ऑनलाइन आवेदन जो है, इस पर आपको क्लिक करना है। और आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका आपके सामने एक सेकंड पेज जो ओपन हो जाएगा। और इसमें आपको आपका एक राशन कार्ड नंबर और आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूं और मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। तो देख रहे हैं कि मेरा नेट थोड़ा स्लो है जिसके कारण आपको जल्दी से बता नहीं पा रहा हूं। चलिए, आ गया है। और आप जो ऑनलाइन करेंगे राशन कार्ड का, इसका यहाँ पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया है, इसीलिए हम प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोसेस लिखा हुआ है, प्रोसेस पर हम क्लिक किए। जैसे ही आप प्रोसेस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने फिर एक नया विंडोज ओपन हो जाता है, और यहीं से आपका ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। आप अनुरोध जो देख रहे हैं, इस पर आप टच करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यदि आपको अपने राशन कार्ड में किसी परिवार का सदस्य को जोड़ना है तो आप सेकंड पर क्लिक करेंगे। अगर बैंक अकाउंट में सुधार चाहिए तो फर्स्ट पर। तो हमें क्या करना है, परिवार के सदस्य को जोड़ना है। इस वीडियो पर आपको यही बता रहे हैं कि परिवार के सदस्य को कैसे आप जोड़ेंगे राशन कार्ड से। तो चलिए, सेकंड पर हम क्लिक कर दिया, रहो सबमिट पर क्लिक कर दिए। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने राशन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर मांगेंगे जो आपको देना है। और मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो राशन कार्ड से जुड़े परिवार का हो। तो चलिए, हम एक राशन कार्ड नंबर डाल दिए और एक मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं। जैसे ही हम डाल दिए राशन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर, उसके बाद हमको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही, जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर दिए, आपके सामने इस तरह का जो आपके राशन कार्ड है वो ओपन हो जाएगा। और आपको यहाँ पर टच करना है कि किसके साथ आप जोड़ना चाहते हैं, उसका टच करना है। उसका यहाँ पर आपको इंटर आधार नंबर जो दिख रहे हैं, इस पर उसका आधार नंबर टाइप करना है। और जिस मोबाइल नंबर पर आप दिए हैं, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP गया है जिसको यहाँ पर डालना है। और आप किस परिवार को जोड़ना चाहते हैं, उसका यहाँ नाम, यहाँ हिंदी से उसका नाम, उसका पिताजी का नाम, उसका पिताजी का हिंदी से नाम, और जिसके साथ जोड़ रहे हैं उसके साथ क्या संबंध है, या फादर या बेटी है बेटा है जो भी है, उसका एज, मोबाइल नंबर, UID नंबर और बैंक अकाउंट नंबर, और ब्रांच कोड, ब्रांच नेम और ब्रांच का खाता संख्या। और आप सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये हम भर नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई फैमिली ऐड नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि किस तरह भरना है। आप सब देख ही पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक, और आप किस जो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्लीज टच करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।